हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वी द वंडरफुल्स में। तो हमारी महाराष्ट्र सीरीज के इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाराष्ट्र की एक और बहुत ही शानदार और बहुत फेमस जगह मालसेज घाट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको मालसेज घाट में आप किन जगहों को एंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा मालसेज घाट में आपको किस टाइम जाना चाहिए इसकी पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने हमारा नानीघाट का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि नानीघाट में दोपहर में अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम डायरेक्टली मालसेज घाट के लिए, जो शॉर्टकट वाला रास्ता है नानीघाट से, उस रास्ते के थ्रू हम मालसेज घाट की तरफ निकल गए थे। तो नानीघाट से करीब एक घंटे के सफर के बाद हम करीब शाम को 4-5 बजे मालसेज घाट पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं ये मालसेज घाट की फेमस टनल, जिसकी इमेजेज आपने जरूर इंटरनेट पे देखी होगी। और उसके थोड़ा आगे चलने के बाद आपको जो मालसेज घाट का बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है मल्टीपल वॉटरफॉल्स का, वो आपको दिखाई देता है। इस रोड से जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं टनल से तो एक छोटा सा मंदिर आपको दिखाई देता है और वहां पे ही अपना व्हीकल पार्क करके आप मालसेज घाट का सबसे खूबसूरत सा नजारा यहां से एंजॉय कर सकते हैं। और उसके आप थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको रोड के साइड में ही वो सभी वाटरफॉल्स एकदम पास से दिखते हैं। और इन सभी वाटरफॉल्स को जो कंटिन्यूसली आते हैं आपकी जर्नी में, उनको एक साथ एक्सपीरियंस करना भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और एक यादगार एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। और इस टाइम पे जैसा कि हमने बताया कि जब तक हम मालसेज घाट पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, तो आपको वेदर थोड़ा फॉगी यहाँ पे दिख रहा होगा और इसीलिए वीडियो की क्लैरिटी भी थोड़ी कम है। थोड़ा आगे चलने के बाद आप देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं कार वॉश वाटरफॉल। और ये आपको बस उस थोड़ा सा आगे टनल से आप जाते हैं करीब 1-2 किलोमीटर तो आपको ये मिल जाता है। और इस वाटरफॉल को भी आप जरूर इंजॉय करें। हम वीडियो के लास्ट में भी फिर से यहाँ से गुजरेंगे और फिर से आपको इस वाटरफॉल के बारे में और भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मालसेज घाट सिर्फ एक घाट है और वहाँ पे आपको कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह नहीं मिलने वाले। आपको यहाँ पे जो रास्ते पे चलते हुए आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और इसके अलावा कुछ व्यू पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं जिनको आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि थोड़ा सा आगे जब आप जाते हैं तो आपको एक जो मालसेज घाट का व्यू पॉइंट है वहां पहुंच जाते हैं, जो कि रोड के साइड में बना हुआ एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है जहां से आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार सा व्यू आपको यहाँ से दिखाई देता है। तो आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि मालसेज घाट की अपनी ट्रिप में आप मालसेज घाट व्यू पॉइंट में भी कुछ टाइम जरूर स्पेंड करें। और हम यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पे बिताया हुआ टाइम आपकी जो भी मालसेज घाट की मेमोरीज हैं उसमें बहुत ही खूबसूरत सी यादों के तौर पर जरूर शामिल हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्रेश बहती हुई हवाएं हैं उनके साथ आप इस व्यू को काफी इंजॉय करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे काफी कुछ सारे बंदर वगैरह भी आपको दिख जाते हैं, तो अगर अपने साथ आप कुछ भी खाने पीने की चीजें रखते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनको बंदर आपसे छीन कर ले जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और यहाँ पे हमने जो लोकल लोग थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे कोई ऐसा टूरिस्ट पॉइंट वगैरह नहीं है, तो हमने फिर से रिवर्स जाना ही ठीक समझा। आप देख सकते हैं हम फिर से जो गूगल पे आपको ये वाटरफॉल है वो कार वॉश वाटरफॉल नाम से ही मिलता है। तो यहाँ पे हम फिर से पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आपको काफी सारे लोग इन फॉल्स के नीचे आपको एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने व्हीकल से इस फॉल को क्रॉस करने वाले हैं तो आपको बता दें कि बहुत ही केयरफुली आप ये करें ताकि किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आप कार में बैठे बैठे भी इस फॉल को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो मालसेज घाट में जो स्टार्टिंग में कुछ फॉल्स थे वहीं पर हम आपको लेकर चलने वाले हैं। उन फॉल्स को भी आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं वो सब आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन आपको उसके पहले बता दें कि मालसेज घाट अगर आप जाते हैं तो आप दोपहर से पहले जाएंगे तो आपको जो व्यू है वो और भी बेटर यहाँ पे मिल सकता है, फोटोग्राफी वगैरह आप ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको अभी तक ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी भी उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की नीड है। और साथ ही हमें भी ऐसे बहुत से इससे भी बेटर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप सभी के लिए बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी के साथ ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र सीरीज के हमारे वीडियोज देखने के लिए और इंडिया के बहुत से ऑफबीट प्लेसेस के वीडियोस आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक बार चैनल को विजिट भी जरूर करें।
तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक वाटरफॉल जरूर देखा होगा। तो वापस जाते समय हमने यहाँ पे काफी सारे लोगों को एंजॉय करते हुए देखा और हमने भी कुछ देर यहाँ पे रुकने का डिसाइड किया। आपको बता दें कि रोड के दोनों साइड इस वाटरफॉल के पास आपको काफी कुछ खाने पीने के फूड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और उसके साथ ही आप यहाँ पे इस वाटरफॉल को भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो कुछ स्टेयर्स आपको दिख रही हैं, इनके थ्रू करीब 30-35 स्टेयर्स है, इनके थ्रू आप जो वाटरफॉल का एक जो एक ऊपर वाला लेवल है वहां तक भी पहुंच जाएंगे और वहां पे भी आप काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक वाटरफॉल है, यही पानी आपको यहाँ से नीचे जाता हुआ दिख जाता है। जो नीचे अभी हमने वाटरफॉल आपको दिखाया वो इसी का जो नेक्स्ट लेवल है वो है। तो आप देख सकते हैं ऊपर आकर भी जो ये थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ के जब आप ऊपर आते हैं तो काफ़ी सारे लोग आपको इस वाटरफॉल के नीचे एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे। हालांकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम था और हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं थे, तो इसलिए हमने नहाने का आइडिया तो ड्रॉप किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छे से वाटरफॉल्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी अपने साथ लेकर आएँ और एक्स्ट्रा कपड़े भी अपने साथ लेकर ज़रूर आएँ। और इसी के साथ आप देख सकते हैं वाटरफॉल के साथ फोटोग्राफी करने के लिए भी एक अपने आप में बहुत ही शानदार स्पॉट है, तो यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा है वो भी बहुत ही शानदार दिखाई देता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट एक बार फिर करना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।